चैनल में स्वागत है। आज मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। जानते हैं अभी कितना लॉकडाउन जा रहा, बाहर जाना बहुत मुश्किल है, पर घर पे इस तरह से बनाइए और अपना नाश्ता अच्छे से कीजिए। देखिए, 6 मैं स्लाइस ब्रेड ली हूँ और उसके स्टफिंग के लिए देखिए मैं 6 आलू उबले हुए ली हूँ और उसके लिए 2 ओनियन चॉप किया हुआ, 2 ग्रीन चिली, देखिए जीरा गोल की भुंजा हुआ है जीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच आपको गोल मिर्च, धनिया 1 चम्मच और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आई देखिए 1 इस तरह से कटा हुआ टमाटर। अब इसको मैं भूंज के बताती हूँ। देखिए मैं एक कढ़ाई गर्म की हूँ, पूरा हीट होने तक कढ़ाई गर्म कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें। जो कुकिंग ऑयल थोड़ा हीट होने लगे, धुआं निकलने लगे, तब अपना कटा हुआ ओनियन डाल देंगे। देखिए अब मेरा तेल पूरा अच्छी तरह से धुआं निकलने लगा, अब इसमें मैं कटे हुए ओनियन को डाल देंगे, जो भी कटा हुआ जितना 2 ओनियन काटी थी सारे को डाल देंगे। इस तरह से सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब देखिए मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब देखिए तेल भी साइड निकलने लगा। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, देखिए करीब 2 चम्मच। अब इसको भी अच्छे से प्याज में मिला लूँगी। अब इसी के साथ मैं अपना धनिया पाउडर, देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, जो भी फ्लेवर है आपको आलू में ही आएगा, इसीलिए आलू को अच्छे से फ्लेवर देने के लिए हम थोड़ा सा स्पाइसी ही बनाना पड़ेगा आपको। अब देखिए जीरा गोल की पाउडर आप जो रखे थे पूरे डाल देंगे इस तरह से, और इसको भी अच्छे से प्याज में मिला देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कीजिए ताकि पूरा फ्लेवर आलू में आ जाए और आपको जो स्टफिंग है बहुत टेस्टी लगे खाने में। इस तरह से देखिए सारे मिल गया। अब इसके बाद मैं देखिए टमाटर जो चॉप करके रखे थे वो भी इसी में डाल देंगे। टमाटर डालने के साथ ही आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। देखिए मैं 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। अब नमक डालते ही आपका टमाटर देखिएगा आपको पूरा गल जाएगा इस तरह से पूरा अच्छे से। अब इसको करीब 2 मिनट तक आप फ्राई करेंगे टमाटर को गलने तक। अब देखिए टमाटर पूरे गल गया है। अब मैं अपने तीखे के अनुसार 2 ग्रीन चिली डाल देती हूँ काट के। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप टमाटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है डाल देने से। देखिए अब पूरे अच्छे से मसाला में मिल गया, तो टमाटर भी पूरा गल गया है। अब अपने उले हुए आलू और पील किया हुआ आलू को आप इसमें इस तरह से क्रश कर देंगे, अब अपना जितने भी उबले आलू है सब अब इस मसाले में मिला देंगे। अब सारे आलू क्रश हो गए, अब करछुल से पूरे अच्छे से मिला लेंगे। पूरे अच्छे से मसाला आलू में मिलने तक फ्राई करेंगे। अब थोड़ा सा कलर आने के लिए हम थोड़ा इसमें हल्दी डाल देते हैं। देखिए अभी उतना कलर दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा हल्दी डाल देने से कलर आ जाएगा। इस तरह से 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी भी डाल देंगे ताकि कलर थोड़ा अच्छा दिखे। जो भी आपको टेस्ट है सब आपका आलू ये स्टफिंग में ही रहता है, इसीलिए इसको अच्छे से हम लोग को मिलाना और बनाना है। आपके घर में अगर नींबू है तो नींबू डाल दीजिए, नहीं तो आपको विनेगर भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। देखिए मेरे पास तो नींबू था, तो मैं नींबू डाल दे रही हूँ इसमें ताकि फ्लेवर इसका और अच्छा है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। एक भी लम्स ना रहो इसके लिए अच्छे से पूरा क्रश करेंगे इसको। अब 1 मिनट और
नींबू डालें उसका टेस्ट आ जाए, उसके लिए एक मिनट और पका लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे इसको। देखिए अब मेरा ब्रेड का स्टफिंग अब रेडी है, एक मिनट लगभग हो गया। अब मैं गार्निश के लिए धनिया थोड़ा सा डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिला लें। अब बंद कर दें इसको, अब ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तब तक मैं इसका डीप करने के लिए घोल बना लेती हूँ। ब्रेड को डीप करने के लिए मैं देखिए 250 ग्राम बेसन ली हूँ, जिसको चना का आप पाउडर भी बोल सकते हैं। इस तरह से एक चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट, अपने स्वाद अनुसार नमक, देखिए थोड़ा सा जीरा गोलकी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है घोल में डालने से। अब देखिए मैं बेसन को इसमें डाल दूंगी। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक, अब देखिए आधा चम्मच नमक डाल दी मैं और थोड़ा सा अजवाइन आधा चम्मच, और देखिए जीरा गोलकी पाउडर इसमें थोड़ा सा डाल दी। अब एक चम्मच देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी। अब इसको सारे को पूरे अच्छे से घोल तैयार के सारे जो भी आप इसमें सामग्री सब को अच्छे से बेसन में मिला लें। अब अपने घोल को धीरे धीरे पानी डाल के घोल तैयार करेंगे। देखिए इसमें लम्स ना हो इसलिए अच्छे से मिलाएंगे इसको पूरे। ज़्यादा आप इसको पतला नहीं करेंगे ताकि आपको ब्रेड में इसका जो आपको बेसन का घोल है वो अच्छा से चिपक जाए, मैंने देखिए ऐसा हो जो आपका कंसिस्टेंसी अच्छा हो इसका। देखिए अब मेरा घोल बिल्कुल रेडी है, देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी अच्छा। अब इसमें थोड़ा हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा कलर अच्छा दिखे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मेरा स्टफिंग भी रेडी है आलू, देखिए मेरा स्टफिंग अब आलू वाला रेडी है। अब मैं इसको ब्रेड में लगाऊंगी। देखिए मैं सॉस का भी यूज करूंगी इसको, अगर ब्रेड में लगाएगा तो बहुत टेस्टी लगता है, आप भी जरूर लगाइए इस तरह से ब्रेड में। पहले आप ब्रेड दो स्लाइस एक तरह से ही लीजिए ताकि देखिए इक्वल होना चाहिए। दो ब्रेड लिए अब इस तरह से, अब दो ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसमें देखिए टमाटो केचप इस तरह से, पूरे में लगा लेंगे। इस तरह से पूरे में लगा के अब जो स्टफिंग आलू है आपका, अब स्टफिंग का आलू अब इसमें डालेंगे, अच्छे से डालेंगे। देखिए पूरा किनारे तक भी ले जाएंगे ताकि चारों तरफ से आपका आलू का अंदर का स्टफिंग का टेस्ट है। आप इस तरह से स्लाइस लेके दोनों को अच्छे से दबा देंगे। देखिए अब इसको बीच से कट करेंगे, अब इस तरह से एक करके आप एक नाइफ लेके आप बीच से इसको काट दें। देखिए इस तरह से, देखिए अब इसको इस घोल में अब फिर दो स्लाइस लें, फिर उसी तरह टमाटर लगा लें सॉस टमाटर का, बस दूसरे स्लाइस में भी टमाटो सॉस लगा देंगे अच्छे से। अब इस तरह से लगा के अब स्टफिंग जो बनाए हैं अब इसको इस तरह से पूरा किनारे तक लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा स्लाइस को इस पर आप ऐसे तरह से रख के दबा देंगे ताकि आपका पूरे अच्छे से चिपक जाए। आप इस तरह से नाइफ से बीच से काट लेंगे। देखिए इसी तरह से जो भी एक और स्लाइस है उसको भी इस तरह से काट लेंगे। देखिए छह स्लाइस को इस तरह से मैं कट करके रख लूंगी, अब इसको मैं तलूंगी बेसन में मिला के। देखिए इस तरह से एक डीप कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें अब तेल डाल के मैं सारे को जितना भी स्लाइस उसको मैं तलूंगी। अब देखिए मेरा कढ़ाई बिल्कुल, कभी भी ठंडा कढ़ाई में कभी भी तेल नहीं डालना, तो उसे आपका चिपक जाता, नहीं तो कुछ भी बनाइएगा तो इस तरह से कुकिंग ऑयल डाल देंगे, वो डूबने भर पूरा चाहिए तेल, इसमें तेल कुछ ज़्यादा ही लगता है इस
तरह से देखिए कुकिंग ऑयल डाल दिए। अब इसको पूरा पूरा धुआं होने तक गर्म करेंगे। अब तेल बिल्कुल मेरा गर्म हो चुका है। आप इस तरह से स्लाइस लेंगे और इस तरह से आपको बेसन का जो घोल बनाए उसमें डीप करेंगे अच्छे से, इस तरह से दोनों तरफ सबसे मिला के। और इसको अगर नहीं होता तो आप ऐसे करके इस तरह से करेंगे ताकि पूरा बेसन मिल जाए। अब इस तरह से धीरे से छोड़ेंगे। अब एक तरफ अगर आप ब्राउन हो जाए तभी दूसरा तरफ पलटेंगे, नहीं तो आपका टूटने का भी डर है। अब देखिए मेरा एक तरफ से ब्राउन हो गया, अब दूसरे तरफ पलट के अब इसको भी उसी तरह पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इस तरह से देखिए दोनों तरफ से अब ब्राउन हो चुका है। अब इसको मैं इस तरह से निकाल लूँगा। एक टिश्यू पेपर लेंगे उसमें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है जो आपको सोख कर ले टिश्यू पेपर। इस तरह से देखिए अब इस तरह से जितना भी आपको ब्रेड स्लाइस है उसी तरह डिप करके देखिए इस तरह से अच्छे से करेंगे, टूटने का चांस रहता है इसमें। देखिए इस तरह से करके अब तुरंत तेल में छोड़ देंगे। इस तरह देखिए दूसरा अब मैं स्लाइस तल रही हूँ, इसको भी अब एक तरफ से गोल्डन होगा तभी दूसरा तरफ पलट देंगे। देखिए अब एक तरफ से ब्राउन हो गया, अब दूसरी तरफ से हम पलट देंगे। अब देखिए दोनों तरफ से ब्राउन हो चुका, मैं इसको भी अब निकाल लूंगी। अब इसी तरह से सारे स्लाइस को उसी प्रोसेस से बना तरह से जितना स्लाइस है मैं सबको तल के रख ली। अब इसको कोई भी चटनी या आपको हरी चटनी या टमाटो सॉस कोई भी एक साथ खाइए और घर में ही बाजार का मजा लीजिए। देखिए अब मेरा ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है, इसे गर्मा गर्म खा के लुत्फ़ उठाएं और मेरे को बताएं कमेंट्स बॉक्स में किस तरह से बना है। आप घर में भी इस तरह बनाइए और खाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखिए।